हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज़ आज तारीख हो चुकी है 2 फरवरी 2023 और हर रोज़ की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2023 को लेकर, इसके साथ ही भारतीय टीम के रिगार्डिंग भी दिन भर की जितनी भी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई है उन सभी को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आप लोगों को इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। और ये अपडेट निकल कर आ रही है दुनिया भर की जितनी भी T20 लीग्स हमें देखने को मिलती हैं, उन सभी T20 लीग की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीमों के लिस्ट हमारे सामने आउट कर दी गई है। यानी कि दुनिया भर के जितने भी T20 लीग हैं उनमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कौन सी टीम है उसको रिवील किया गया है। तो IPL की अगर बात की जाए तो IPL में मुंबई इंडियंस की टीम सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं, जिन्होंने अभी तक टोटल 5 IPL की ट्रॉफी जीती हैं। इसके बाद जो दूसरी बड़ी T20 लीग है वो है BBL। BBL में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम है पर्थ स्कॉचर्स की, जिन्होंने अभी तक 4 BBL के टाइटल जीते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है CPL। CPL की सबसे सक्सेसफुल टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स की फ्रेंचाइज ट्रिनबागो नाइट राइडर्स, जिन्होंने अभी तक CPL के 4 टाइटल्स को जीत लिया है। इसके बाद अगर बात की जाए BPL यानी कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग की, तो यहाँ की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम है ढाका पल्टून, जिन्होंने 3 बार अभी तक इस टाइटल को टोटल जीता है BPL के। इसके बाद अगर बात की जाए PSL की, तो इसकी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिन्होंने 2 बार PSL के टाइटल को जीता है। और वहीं अगर हम बात करें LPL की, तो LPL में अभी तक सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम है जैफना किंग्स की, जिन्होंने अभी तक 2 बार LPL के टाइटल को जीता है। कमेंट करके आप लोग बताइए आपको इनमें से कितने सारे जो स्टैट्स हैं वो याद थे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है ईशान किशन की फॉर्म के रिगार्डिंग, जहां पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच में सीरीज कंप्लीट हो चुकी है और तीसरे मुकाबले को भारतीय टीम जीत भी चुकी है। लेकिन इस मुकाबले में उम्मीद थी कि ईशान किशन जगह पर पृथ्वी शॉ, जिनको स्पेशली T20 सीरीज के लिए काफी लंबे टाइम के बाद भारतीय टीम में शामिल किया गया था, उनको एक बार फिर से हमें जो भारत की टीम है उसमें जगह मिलेगी। लेकिन एक बार फिर से ऐसा नहीं हुआ और ईशान किशन के साथ ही भारतीय टीम उतरी और फिर से वो फ्लॉप रहे, सिर्फ 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर ही आउट हो गए। और ईशान किशन की अगर आप लोग आखिरी की 14 T20 पारियां देखें तो 27, 15, 26, 3, 8, 11, 36, 10, 37, 2, 1, 4, 19, 1, ये इनके स्कोर हैं। कमेंट करके आप लोग बताइए कि आपके हिसाब से ईशान किशन इस सीरीज के बाद T20 वर्ल्ड कप में जाना डिजर्व करते हैं या फिर नहीं। फिलहाल गाइस अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है मुंबई इंडियंस की टीम के रिगार्डिंग, जहां पर मुंबई इंडियंस की टीम ने एक प्लेयर को छीन लिया है दिल्ली कैपिटल्स की टीम से। वैसे पहली बार नहीं है जब MI की टीम ने DC की टीम से किसी बड़े प्लेयर को लिया हो, इससे पहले भी ट्रेंट बोल्ट को ले चुके हैं। तो अब इन्होंने अपनी टीम में शामिल कर लिया है झूलन गोस्वामी को, जहां पर अपनी किसी वीडियो में हमने आपको बताया था कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम इन्वेस्टेड थी कि विमेंस IPL के लिए अपने जो हेड कोच की पोजीशन है उसके तौर पर या फिर बॉलिंग कोच की पोजीशन के तौर पर वो अपनी टीम में झूलन गोस्वामी को शामिल कर लें। लेकिन उनसे पहले ही मुंबई इंडियंस की टीम ने झूलन गोस्वामी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और झूलन गोस्वामी ने उनको हाँ भी बोल दिया, जिसका मतलब है अब वो मुंबई इंडियंस की टीम में खेलने वाली हैं। एक तरीके से खेलने नहीं वाली बल्कि जो विमेंस IPL होने वाला है उसमें बॉलिंग कोच के तौर पर ही आपको नजर आने वाली हैं। और इस बात की कन्फर्मेशन खुद जो दिल्ली कैपिटल्स की टीम के साथ जुड़े हुए हैं सौरभ गांगुली, उन्होंने कर दिया, जहां पर उन्होंने बताया कि हाँ DC की टीम इनको लेना चाहती थी लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम ने पहले ही इनको अपनी टीम में शामिल कर लिया। फिलहाल गाइस हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है क्रिस गेल के रिगार्डिंग, जहां पर क्रिस गेल से क्वेश्चन किया गया था कि IPL में खेलने में सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको कौन से गेंदबाज के खिलाफ हुई। तो ऐसे में सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद रविचंद्रन अश्विन या फिर हरभजन सिंह जैसे गेंदबाजों का नाम लिया जाएगा, क्योंकि यही ऐसे गेंदबाज है जिनके खिलाफ गेल का रिकॉर्ड हमें ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिला। लेकिन इन दोनों का ही नाम ना लेकर उन्होंने नाम लिया जसप्रीत बुमराह का, जहां पर उन्होंने बताया कि इनके हिसाब से जसप्रीत बुमराह की गेंदें उनको समझने और देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि बुमराह का एक्शन ऐसा है और फिर उनकी स्पीड भी ठीक ठाक है, तो ऐसे में उनकी गेंदें देखने में काफ़ी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम्स आई हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आपके हिसाब से IPL की हिस्ट्री में क्या आपको लगता है सबसे ज़्यादा मुश्किल गेंदबाज कौन सा है, जिसको खेलना सबसे ज़्यादा मुश्किल था। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की पाँचवीं बड़ी अपडेट के बारे में, और गाइस ये अपडेट निकल कर आ रही है माइक हैसन के रिगार्डिंग, जहां पर RCB की टीम के हेड कोच माइक हैसन की साइड से अनाउंसमेंट की गई है ग्लेन मैक्सवेल की फिटनेस के रिगार्डिंग, जहां पर मैक्सवेल IPL में आएंगे या फिर नहीं एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हालांकि मैक्सवेल ने अपनी जो बैटिंग प्रैक्टिस है वो स्टार्ट कर दी है, लेकिन इसके बावजूद मैक्सवेल की जो रिकवरी है वो अभी तक 100% नहीं हो पाई है। तो इसी चीज़ के रिगार्डिंग माइक हैसन ने कहा कि RCB की टीम काफ़ी ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर कर रही है मैक्सवेल की प्रोग्रेस को और उनको काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि मैक्सवेल शायद हमें जो IPL है वहाँ पर फिट होते हुए देखने को मिल जाए। हालांकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को तो स्किप करने वाले हैं, लेकिन IPL तक उनके फिट होने की पूरी पूरी उम्मीद है। लेकिन इसके बावजूद एक प्रॉब्लम तो आपके सामने आने ही वाली है, वो है कि मैक्सवेल ने पिछले काफ़ी
काफ़ी लंबे टाइम में किसी भी तरीके की क्रिकेट नहीं खेली है। और जब ऐसे लास्ट बार वो इंजरी से वापस आए थे तो हालांकि उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी इस बार आसान नहीं रहने वाला क्योंकि भारत के पिचेस के ऊपर मुकाबले हैं। फिलहाल गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट के बारे में। और गाइज ये अपडेट निकल कर आ रही है प्रीति जिंटा के रिगार्डिंग, जो कि हमें पंजाब किंग्स की को ओनर के रूप में देखने को मिलती है। लेकिन अब फाइनली प्रीति जिंटा का जो पंजाब किंग्स की टीम में उसमें क्या शेयर है उसको भी रिवील कर दिया गया है, जहां पर इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में खुद बताया है कि इन्होंने क्यों एक तरीके से जो मूवीज़ थी उसको छोड़कर क्रिकेट में आने का डिसीजन लिया, जहां पर इनके हिसाब से मूवीज़ में इनको एक ही तरीके के रोल्स मिल रहे थे, यानी कि इनको वही जो एक तरीके से मॉडर्न टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं वही प्ले करने को मिल रहे थे, लेकिन ये रूरल टाइप के कैरेक्टर्स भी और जो और ज़्यादा रियल और रॉ कैरेक्टर्स होते हैं उनको परफॉर्म करना चाहती थी, जो कि इनको मिल नहीं रहे थे। तो इनको ऐसा लगा कि बॉलीवुड में अब जो इनका काम है वो हो चुका है, तो इन्होंने उसके बाद क्रिकेट को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। और उसके बाद इनको ऑफर किया गया था 2008 में कि ये पंजाब किंग्स की ओनर बन सकती हैं, तो इनको $5 million इन्वेस्ट करने थे और इन्होंने $5 million यानी कि $50 लाख इन्वेस्ट किए हैं आईपीएल की इस टीम को खरीदने में। ये इनकी एक तरीके से पार्टनरशिप है। इन्होंने बताया कि इनको क्रिकेट के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, तो ऐसे में उसके बाद ये चली गई हार्वर्ड, जहाँ पर इन्होंने बिजनेस को स्टडी किया। और क्योंकि आईपीएल भी एक बिजनेस ही है, तो उस तरीके से फिर ये आईपीएल में धीरे धीरे आई और अब इनको क्रिकेट के बारे में ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन पता है। कॉमेंट करके आप लोग बताइए कि आपको इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता था। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट के बारे में। और गाइस ये अपडेट निकल कर आ रही है डबल जर्सीज के रिगार्डिंग। आईपीएल में ऑलरेडी कुछ टीमें हमें देखने को मिलती हैं जो कि डबल जर्सी का उपयोग करती हैं। पहले सिर्फ आरसीबी के द्वारा हमें डबल जर्सी यूज होते हुए देखने को मिलती थी, लेकिन उसके बाद इस साल आईपीएल 2023 में दो और आईपीएल टीमों ने अनाउंसमेंट कर दी है कि ये भी डबल जर्सी का उपयोग करने वाली है। पहले नंबर पर तो आती है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। ऑलरेडी इनकी डबल जर्सी आप लोगों ने देखी होगी, जहां पर एक जो एक तरीके से इनकी जो रेनबो वाली जर्सी थी वो हमने देखी थी, और एक जो इनकी ओरिजिनल जर्सी है जो कि एक तरीके से पिंक और ब्लूइश है वो वाली जर्सी यूज़ करने वाली हैं। और अगले नंबर पर आती है राजस्थान रॉयल्स, जहां पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर अपनी जर्सी चेंज करने वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम खुद की ही जो पुरानी जर्सी है उसको एक तरीके से जो 2008 वाली जर्सी थी वो वाली जर्सी का उपयोग करते हुए देखने को मिल सकती है, जहां पर 2008 में आरआर की टीम ने टाइटल जीता था। उसके बाद लास्ट ईयर ये फाइनल में पहुंचे थे, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आरआर की टीम शेन वॉन की मेमोरेंस में एक तरीके से उनको याद करने के लिए इस वाली जर्सी का उपयोग आप लोगों को करते हुए देखने को मिल सकती है। फिलहाल गाइस हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट, जो कि निकल कर आ रही है लखनऊ के पिच के क्यूरेटर के रिगार्डिंग। आप लोग जानते ही हैं कि इनको फायर कर दिया गया था खराब पिच बनाने को लेकर, लेकिन इन्होंने बीसीसीआई से रिक्वेस्ट किया कि इनको फायर नहीं किया जाए, क्योंकि तीन दिन पहले तक इन्होंने रेड और ब्लैक सॉइल बनाई थी जिस पर बीसीसीआई परफेक्टली ओके थी, लेकिन उसके बाद मुकाबले से तीन दिन पहले इनसे कहा गया कि आपको इस पिच को बदलना है और इसको एक बैटिंग फ्रेंडली पिच में कन्वर्ट करना है। तो इनके हिसाब से कोई भी क्यूरेटर तीन दिन में किसी भी पिच को बिल्कुल गेंदबाजी से लेकर बिल्कुल बल्लेबाजी वाली पिच में कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो इनकी जॉब को नहीं छीनना चाहिए बीसीसीआई को। कमेंट करके आप लोग बताइए आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।